लेट्स स्टार्ट। क्या पढ़ना है? बेसिक सारा कुछ पढ़ लिया है ना। कल क्या पढ़ा था अपन ने? इशू ऑफ एग्जाम्पल किया था। किसका? लमसम का। लमसम में हमने प्रीमियम भी कर लिया, पार भी कर लिया, है ना। अब आज हमको पढ़ना है इंस्टॉलमेंट वाला। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। शेयर इशू होता है तो कैसे कैसे इशू होता है? एक तो कैश में, दूसरा काइंड में, यानी आप एसेट ले लो और उसके बदले शेयर से पेमेंट कर दो, ठीक। कैश में दो तरीके होते हैं, एक लमसम पूरा पैसा एक साथ ले लो, है ना, और एक दूसरा ऑप्शन क्या है, इंस्टॉलमेंट में पैसे लो, ठीक है। अब जो टर्म होती है शेयर को इशू करने की, टर्म्स जो होती हैं वो होती है एट पार और एट प्रीमियम। दो टर्म होती है, एक पार पे और एक प्रीमियम पे। पार का मतलब है कि जो नॉमिनल वैल्यू है वही इशू प्राइस है, और प्रीमियम का मतलब है कि जितने का शेयर का नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, शेयर उससे ज़्यादा पर बेचा गया है तो वो क्या कहलाता है? प्रीमियम, ठीक। 10 का शेयर है, 12 बेच दिया, 13 बेचा, 11 बेचा, तो वो प्रीमियम पर है, ठीक है। लमसम के केस के काम हम कर चुके थे, आज हमको पढ़ना है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने बताया, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम अप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का अलॉटमेंट, तीसरी का कॉल, ठीक। चौथी है तो फिर हम इसको फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल ऐसा कर लेंगे, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब जर्नल एंट्रियां सारी ऑलरेडी लिखा रखी हैं, तुम्हें वीडियोस देखने पड़ेंगे पुराने। अब आज हम सीधा मैदान जंग में उतरते हैं और शुरू करते हैं। कल मैंने मन से क्वेश्चन बनाया था, है ना, मन के उद्गार व्यक्त किए थे, तो आज भी मन का उद्गार व्यक्त कर लूं या क्वेश्चन सीधा जंग लड़े? अनसॉल्व निकालो, तुम तो सीधा जंग ही लड़ते हैं, निकालो अनसॉल्व। राजा राम आये घन एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि अपना सॉल्यूशन हो सकता है किसी दूसरे के सॉल्यूशन से डिफर करे, है ना। जर्नल एंट्रियां हैं, कुछ लोग कुछ एंट्रियों को स्किप कर देते हैं, कुछ लोग स्किप नहीं करते हैं, है ना, तो घबराना मत, ठीक है क्या? आ जाओ चरे मित्वा, आ जा रे आ जा। चलो, तो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन डिजाइन करता हूं। क्वेश्चन, मैं कंपनी का नाम बदल देता हूं, इशूड, इशूड 250,000 इक्विटी शेयर, ठीक है, 250,000 इक्विटी शेयर इशू किए एट द रेट ₹10 ईच टू पब्लिक। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लम सम, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। मतलब ये लमसम का केस है, ठीक है, बट इसी केस को मैं इंस्टॉलमेंट का बना रहा हूं, इसी केस को मैं इंस्टॉलमेंट का बना रहा हूं। तो पेबल एज, पेबल एज, कैसे पेबल है? ₹3 अप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट एंड ₹3 कॉल। जितनी इंस्टॉलमेंट उसकी डबल एंट्रियां होंगी, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला? DSCL लिमिटेड इशूड 250,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, हर शेयर ₹10 का है, ठीक है। और अमाउंट पेबल कैसा है? ₹3 अप्लीकेशन में, ₹4 अलॉटमेंट में और ₹3 कॉल में, ठीक। तो लिखो सॉल्यूशन, इन द बुक्स ऑफ,
इन द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। ठीक है, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन। एंट्रियां फिक्स हैं, यही होती हैं हर क्वेश्चन में। अब यहां भरना है अमाउंट, अमाउंट कैसे भरोगे? तो नंबर ऑफ शेयर इशूड, कितने शेयर इशू हुए हैं? 250,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपए। तो यहां पे कितना आएगा? 7,50,000। ठीक है, मैंने क्या बोला, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होगी, यानी इसमें टोटल एंट्री कितनी होगी? 6, हर इंस्टॉलमेंट की 2। तो ये पहली हो गई। दूसरी, पहले तुम क्या करोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे, उसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल में। और यह ध्यान रखना, टोटल शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगी, टोटल शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगी वो फेस वैल्यू के अमाउंट से ही होगी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। डन। तो यहां पर ये जो तुमने क्रेडिट किया है इसको डेबिट करोगे, यानी एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना जाएगा? 7,50,000। ठीक है, उसके बाद तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री किसकी होगी? एप्लीकेशन की तो हो गई, अब किसकी होगी? अलॉटमेंट की। तो ये पहले ड्यू होगा, यानी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से तुमने, कितने शेयर इशू किए? 250,000 शेयर हैं, इनटू कितने रुपए? 4 रुपए। अलॉटमेंट में कितना लेना है? 4, तो कितना होगा? 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो शेयर अलॉटमेंट डेबिट है वो अब क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री होगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैपिटल सिर्फ क्रेडिट होगी, डेबिट नहीं होगी, यही अमाउंट जो है इतना ही आ जाएगा, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, फिर पांचवी एंट्री, अब ये भी काम खत्म हो गया। ठीक, अब पांचवी एंट्री किसकी होगी? कॉल के, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, कितना अमाउंट लिखोगे? नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू कॉल मनी, नंबर ऑफ शेयर कितने इशूड हुए हैं? 250,000 शेयर हैं, इनटू 3 रुपया, है ना, वहां लिखा है। ठीक है, कितना? 7.5, 7.5 लाख, 7.5 लाख यहां भी लिख दो। ठीक, और इसको अमाउंट को तुम रिसीव, अभी ये ड्यू है, दिस इज ड्यू, दिस इज रिसीव, एंड अगेन दिस इज ड्यू एंड दिस इज रिसीव। देखो बेटा, एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है, फिर वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होती है, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल पहले ड्यू होता है, बाद में रिसीव होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। ये एंट्रियां जो अपन ने कर ली इस क्वेश्चन में, एंट्रियां फिक्स है, यही होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन जो चमत्कार होता है वो ओवर सब्सक्रिप्शन से देखने को मिलेगा। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसके लिए तुम्हें पिछले 2 वीडियो कल वाले देखने पड़ेंगे। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन,
अच्छा सर, ये क्वेश्चन ने तो लमसम दिया था, लमसम करते तो क्या होता, दो एंट्रियां होती बस, लमसम तुमसे पूछेगा नहीं, लमसम मतलब एमपी बोर्ड में पूछेगा। इसको नोट करने के बाद एक क्वेश्चन देखना, हेमा लिमिटेड का क्वेश्चन है, 10,000 शेयर इशू है, 100 रुपए का एक शेयर है, वो करेंगे अपन। अरे आज तो बिल्कुल नौजवान लौंडा बन के यार, एकदम क्लीन सेव बिल्कुल, ये तो गलत बात है यार, मतलब हमको भी पार्टी चाहिए है, ऐसा थोड़ी होता है कि हमको जानकारी नहीं है, है? ये तो गलत है ना यार, गरम गरम खिलाना पर। लिख रहे हो? लिखो। हाँ, पर वीडियोस जरूर पुराने देख लेना तो मजा आएगा तुमको। पॉज करता हूँ। डन। चल। तो जैसा कि तुमसे वादा किया था, हेमा का क्वेश्चन करेंगे, है ना, भावुक मत होना, महिला का नाम सुन गया। हेमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। मिल गया? पहले बात तो आपको क्वेश्चन मिलने पर बधाई हो। नंबर अलग अलग होंगे, एडिशन अलग अलग है। तो मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, हेमा लिमिटेड ने इशू कितने किए, ऐसा लिख लिया करो, है ना, इशूड 10,000 शेयर। ये आदत डाल लो, एग्जाम में भी यही करना, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ईच पेबल एज, पेबल एज 20 एप्लीकेशन, 20 के बाद कितना है, 30 अलॉटमेंट, फिर 20 फर्स्ट कॉल, फिर देखो टोटल 100 होना चाहिए, है ना, उसने बोला बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो ये जो फाइनल कॉल है वो कितने का होगा, देखो 100 रुपए ये हो गए टोटल, टोटल 100 होना चाहिए, यहाँ कितना है 20, 50 और 20, 70, यानी यहाँ कितना आएगा 30 रुपए। ठीक है, आगे बढ़े, जर्नल एंट्री सॉल्यूशन, ऐसा लिख के करना एग्जाम में भी, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इन द बुक्स ऑफ हेमा लिमिटेड, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर। अच्छा, एग्जाम में नरेशन लिखना कंपलसरी है ना, एग्जाम में नरेशन लिखना कंपलसरी है, नहीं करोगे तो एक नंबर कट जाएगा। पहली एंट्री क्या होगी बेटा, देखो इसमें कुल कितनी एंट्रियां होंगी इस क्वेश्चन में, 8, जितनी इंस्टॉलमेंट उसकी डबल है ना, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्रियां फिक्स हैं जो पहले की थी वही होंगी, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी एंट्रियों की, फिर अपन जंग लड़े। अमाउंट कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर इशूड, कितने इशू हुए हैं 10,000 शेयर, इनटू कितना रुपया है 20 रुपये एप्लीकेशन में लेना है, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी, गाइज
शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही जो यहां है, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कर लो, तो क्या आएगा, कौन सी एंट्री होगी, तीसरी एंट्री। क्या है तीसरी एंट्री, अलॉटमेंट की। कितना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अपने तुम्हें तो कंटिन्यू में लिखना है ना, अपने पास जगह कम है इसलिए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 30, मतलब 10,000 शेयर है इंटू 30 रुपए, तो 3 लाख। फिर नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान रखना, होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, करके लाना रहेगा, रोना गाना मत, है ना। हाँ, ये वही 3 लाख जो यहाँ था वही यहाँ भी। पांचवी एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 10,000 शेयर इंटू कितने रुपए हैं, 20, यानी कितना, 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख, नहीं है। छठी क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, जितना लिया था जितना पहले, जितना डेबिट उतना क्रेडिट इक्वल। सातवीं एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से, 10,000 शेयर हैं और एक शेयर पे 30 रुपया हमको लेना है, तो टोटल 3 लाख। और एट्थ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, 3 लाख। ये चंगू मंगू क्वेश्चंस के लिए टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, डन। छाप लो टीपू सुल्तानों, टीप लो, चलो टीप दिए, वाह व्हाट अ स्पीड। अब अगला क्वेश्चन कौन सा करना है अभी तो देख लूं। जब तुम्हें ऐसा लगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहो कि हाँ अब हमें एंट्रियां याद हो गई हैं, तो बता देना। एक चीज और है, इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें कैशबुक भी बताऊंगा कि कैशबुक कैसे बनती है। लिख लो पहले, फिर बताऊं। इधर तो लिख लिया, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, है ना, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा। मैं यहां पर इसको क्वेश्चन को हटा के और फिर तुम्हें कैशबुक बताता हूँ। इसी की कैशबुक मतलब कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। तो यहां पर ले लो कैश बुक, पिताजी से आशीर्वाद लेंगे अपन, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। दिस इज डेबिट साइड,
इलेवेंथ में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही, पैसा आया डेबिट में लिखेंगे, गया तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब सिर्फ इन 8 एंट्रियों में से तुम्हारे काम की एंट्री कौन कौन सी हैं, तो तुम्हारे काम की एंट्री सिर्फ वो है जिसपे बैंक लिखा है, यानी आठवीं, छठी, चौथी और पहली। जहां जहां बैंक लिखा है वो तुम्हारे काम की है, किसके लिए? कैश बुक के लिए। क्या लिखोगे? देखो, तुम्हें जर्नल से लेजर पोस्टिंग का रूल मालूम है कि जर्नल एंट्री में जो आइटम डेबिट में है, फिर से सुन लो, जर्नल एंट्री में जो आइटम डेबिट में है जब उसको तुम लेजर में लिखोगे तो लिखोगे डेबिट साइड ही, पर नाम क्या लिखोगे? जर्नल के क्रेडिट वाला। यानी यहां पे क्या लिखोगे? टू शेयर एप्लीकेशन। कितना है अमाउंट जो उसके सामने है, ठीक है, ये हो गया। फिर उधर क्या लिखोगे? टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट लिखोगे? 3 लाख। फिर क्या लिखोगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल। सब में अकाउंट लगेगा, 2 लाख है ना। फिर टू शेयर फाइनल कॉल, कितना? 3 लाख। टोटल बाय बैलेंस सीडी कितना हुआ? 10। ठीक है। अच्छा, इसी का बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन करना हो तो कर लोगे क्या? इसी में यदि बैलेंस शीट बनानी हो तो बना लोगे? नहीं बना पाओगे? बहुत आसान है ना, बना लेना। चलो हटाऊं ये, आगे शुरू करें। इसकी बैलेंस शीट भी बना ही देता हूं यार तुम्हें। देखो 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 ये सुनो, देखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगी ये देखो, मैं बैलेंस शीट बनाता हूं। बैलेंस शीट इतनी सी जगह यूज करूंगा, ये उसके लिए रहेगी, नोट्स के लिए। यहां क्या लिखोगे तुम? इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर हेडिंग क्या दोगे? शेयर होल्डर फंड। फिर क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, ठीक है, और कुछ है नहीं, टोटल। और यहां क्या लिखोगे? सेकंड एसेट्स, ठीक है। यहां क्या लिखोगे? करंट एसेट। और क्या लिखोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, टोटल। बराबर है, दिस इज टोटल। अब इसके लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स काय के लिए बनाओगे? शेयर कैपिटल के लिए। देखो, तुम्हें क्वेश्चन में अथोराइज्ड वगैरह की भी नहीं, क्या कुछ नहीं दिया है ना, तो तुम ऐसा मानोगे कि जितना इशू किया वही अथोराइज्ड है। तुम्हें लिखना है तो ठीक है, नहीं तो सीधे क्या लिखो? इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, ठीक है। अच्छा, पूरा पैसा आ गया, पूरा पैसा मिल गया ना, कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। जितने तुमने शेयर इशू किए, जितने लेने थे पूरे मिल गए, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सिरे 10,000 शेयर तुमने इशू किए, इनटू एक शेयर का 100 रुपया सीधा बाहर कर दो, कितना? 10 लाख। बस यही यहां लिख दो, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख।
आसान था ना, तीनों चीजें अपन ने बना ली इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।